हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि आप लोग ऑडियो स्पेक्ट्रम वीडियो अपने एंड्रॉइड फ़ोन से कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि आप लोग उस तरीके का ऑडियो स्पेक्ट्रम वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो उसके लिए आप सभी को दो एप्लीकेशन का यूज़ करना है, जिनका नाम है पिक्सल लैब और एवी प्लेयर। अगर आपके पास ये दोनों एप्लीकेशन नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। सो वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, इसको आपको डिलीट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको ऊपर में थ्री डॉट मिलता है, उसमें क्लिक करके आपको इमेज साइज में क्लिक कर लेना है, और कस्टम में क्लिक करके यूट्यूब चैनल बैनर को सिलेक्ट करके आपको सिंपली ओके में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको थर्ड और ऑप्शन आ जाना है, जो हेक्सागन शेप है उसमें। उसमें आने के बाद आपको इंपोर्ट में क्लिक करके यहाँ से आपको कुछ इस टाइप के इमेज को आपको यहाँ पे लोड कर लेना है। ऐसे इमेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहाँ से आप ऐसे इमेज डाउनलोड कर सकती हो। सो फ्रेंड्स, आपको ये इमेज है आपको डाउनलोड करके यहाँ पे आपको लोड कर लेना है। लोड करने के बाद आपको इसे अच्छे से साइड में कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, और सेंटर में आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन में आके कलर में क्लिक कर लेना है, और इसका कलर आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ इसका कलर। उसके बाद आपको ऊपर में एचडी कार्ड का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। उससे पहले मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इतना बड़ा करने के बाद इसको वापस से सेंटर में एडजस्ट करके आपको ऊपर में आपको यहाँ पे एचडी कार्ड का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है, डायमेंशन इसका अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी आपको यहाँ पे इसे कर लेना है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एवी प्लेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करके आपको इसमें क्लिक करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट का लिंक मिलेगा, उस टेम्पलेट को आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे में लोड फ्रॉम फाइल करके, उसमें क्लिक कर लेना है। और आपने जहाँ पे भी उस टेम्पलेट को डाउनलोड किया होगा उस फोल्डर में जाके आपको एक बार उसमें क्लिक कर लेना है उस टेम्पलेट पे। टेम्पलेट में क्लिक करने के बाद वो जो टेम्पलेट है यहाँ पे लोड हो जाएगा एंड में, तो आपको उसमें क्लिक करके यहाँ पे कुछ इस टाइप का टेम्पलेट होगा, आपको यहाँ पे इसे लोड कर लेना है। लोड करने के बाद आपको पेंसिल वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला इमेज आ रहा है, जो सेकंड बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है, और इमेज वाले ऑप्शन को ओपन करके यहाँ पे कस्टम इमेज वाले बॉक्स में क्लिक कर लेना है, और पिक इमेज में क्लिक करके जो हमने पिक्सल लैब से इमेज सेव किया था उसको आपको यहाँ पे लोड कर लेना है। लोड करने के बाद वो जो इमेज है कुछ इस तरीके को आपको देखने को मिलेगा इस टेम्पलेट के साथ। सो आपको यहाँ पे इस वाला ऑप्शन क्लोज कर लेना है, और यहाँ पे आपको नीचे में इमेज का एक और ऑप्शन मिलता है सिनेमेटिक फ्रेम का। सो पहले वाले सिनेमेटिक फ्रेम वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है, और इमेज वाला ऑप्शन में जाकर सेम बॉक्स में क्लिक करके पिक इमेज और एक और पीएनजी इमेज मिलेगा आपको, उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करके यहाँ पे आपको इसे लोड कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर में जनरल का ऑप्शन आ रहा है, उसमें क्लिक करके आपको पोजीशन पे क्लिक कर लेना है, और नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको आपको थोड़ा सा मूव कर लेना है आगे, और ये जो नंबर है 0.500 इतना आपको नंबर पे ले आना है इसको। उसके बाद आपको इस वाले भी ऑप्शन को क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपने जो इमेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसके नीचे एक और इमेज वाला ऑप्शन होगा, उसको आपको इस बार सिलेक्ट कर लेना है, और सेम आपको वही प्रोसेस कर लेना है। इमेज वाला ऑप्शन में जाके पिक इमेज कर लेना है आपको, और सेम पीएनजी इमेज को आपको यहाँ पे लोड करके इस बार आपको कोई भी पोजीशन पे सेटिंग नहीं करना। और उसके बाद ये जो बार्स है, अगर आप इसका ही पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो पेंसिल वाला ऑप्शन में क्लिक करके बार्स वाले लेयर में आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके आप इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। सो आपको जहाँ पर भी अच्छा लगता है वहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, सभी प्रोसेस करने के बाद जब आप इसे प्ले करोगे एंड में, तो आपका जो वीडियो है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, सेव करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलता है एक, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डेस्टिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्टअप और एंड अप वाला टाइम आप भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है, फिर आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फ़ोन से स्पेक्ट्रम वीडियो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन आता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलता है एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।